आज हम इस प्रकार का एक सुंदर सा डोरमेट बनाएंगे। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। पूरे डोरमेट में लहर बन रही है। डोरमेट को हाफ मोड़ने पर यह पता चल जाता है कि डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। आज एक ग्रीन कलर की एक पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई 5 इंच ली गई है और सभी पट्टियां साइडी की ली गई है। ग्रीन कलर की पट्टी का एक हिस्सा लेते हैं और 2 अंगुलियों पर 2 राउंड लगाते हैं। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से 2 अंगुलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार इस प्रकार से एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं। अब डोरमेट बनाने के लिए पहला राउंड शुरू हो रहा है और पहले राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। कहने का मतलब एक लूप के अंदर से 2 बार साड़ी की पट्टी को निकाल रहे हैं पूरे राउंड में। पट्टी की खिंचाई लूज रूप में करनी है, टाइट रूप में नहीं करनी है। इस प्रकार से एक राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। ये सेकंड राउंड शुरू हो रहा है और सेकंड राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से 4 राउंड लगा लेते हैं। डोरमेट में झोल पड़ने की संभावना दिख रही है। फंदों का आकार बढ़ने लगता है और डोरमेट में झोल पड़ने की संभावना बन जाती है। अब इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे तो जो डोरमेट में झोल पड़ रहा है वे भी दूर हो जाएगा और डोरमेट का आकार भी बढ़ जाएगा। इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। इस प्रकार से यह राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। फंदों का आकार आधा हो चुका है। आधा इसलिए हो चुका है कि एक फंदे में 2 फंदे निकालने के बाद में फंदों का आकार आधा हो चुका है। अब इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से 4 राउंड लगा लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। 4 राउंड लगाने के बाद में फंदों का आकार बढ़ जाता है तो डोरमेट में झोल आने की संभावना बन जाती है। तो अब डोरमेट में इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे, जिससे डोरमेट में आने वाला झोल भी नहीं आएगा और डोरमेट का आकार भी बढ़ने लगेगा। इस राउंड में पूरे राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। ये सभी पट्टियां साड़ी की काटी हुई है और इस साड़ी का नाम एक बूटे फ्लोर वाली साड़ी बोली जाती है। मार्केट में पुरानी चलन वाली साड़ी होती है। ये मार्केट में 50-60 रुपये में पर साड़ी मिल जाती है। इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से 3-4 राउंड लगा लेते हैं और हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। आगे जाके 1-2 राउंड लगाने के बाद फंदों का आकार बढ़ जाएगा तो उस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल लेंगे और उसके बाद में वो जो यही प्रक्रिया चलती रहती है।
डोरमेट को हाथ मोड़ने पर यह पता चल जाता है कि डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है।